एक कदम और एक सामाजिक संस्था की तरफ से लोहड़ी पर्व मनाया गया। लोहड़ी पर्व में बड़ी संख्या में सभी धर्मों के लोगों ने सहभागिता की और पूरे हर्षोल्लास के साथ इस पर्व का आनंद लिया। सबसे पहले अजीत सिंह बंगा ने लोहड़ी पर्व जलाकर उसमें गुड़ तिल के साथ दाने की पट्टी डाले। उसके बाद लोगों ने ढोल ताश पर जमकर डांस किया। इस अवसर पर अजीत सिंह बग्गा ने पत्रकारों को बताया कि यह पर्व पंजाबियों का सबसे प्रसिद्ध पर्व माना जाता है और उस दिन से पंजाबी नववर्ष की शुरुआत भी होती है और साथ ही इस पर्व में जो भी मांगा जाए वह ज़रूर अगले साल तक उसको मिलता है, इसलिए यह पर्व हम लोग बहुत श्रद्धा के साथ मनाते हैं। हर साल की तरह लोहड़ी का प्रोग्राम मनाया जा रहा है। यह मकर संक्रांति के एक दिन पहले होता है और बहुत ही धूमधाम से इसको मनाया जाता है। आग जला के अगल बगल लोग डांस करते हैं और उस होलिका में दाना और तिल डालते हैं ताकि जितने पाप हैं वो जल जाएं, और जिनके यहाँ नई शादी हुई होती है या जिनके यहाँ पहले बच्चे की जन्मदिन होता है या पहले बच्चे का लोहड़ी के पहले हुआ होगा तो वो लोगों के यहाँ और भी धूमधाम से मनाया जाता है। और पंजाब वगैरह में तो लोग लोहड़ी में लोहड़ी मांगने घर घर जाते हैं और घरों से उनको दाना वगैरह तिलपट्टी वगैरह दी जाती है। क्या महत्व है आज के कार्यक्रम का? आज के कार्यक्रम का महत्व यही है कि जो भी एक तरह का नया फसल की शुरुआत भी होती है पंजाब में और आज से नए साल की शुरुआत पंजाब में हो गई।